नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, टच पेन जो कि काफी अच्छा रिस्पांस कर रहा है दोस्तों, या फिर इसे आप कह सकते हैं दोस्तों स्टाइलस पेन, जो कि आपको मार्केट पे भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है, सस्ता से लेके महंगा तक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो पे हम जानते हैं किस तरीके से हम इसे अपने घर पर बना सकते हैं। और दोस्तों आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कॉटन और वाटर का यूज करके एस पेन को बना रहे हैं, जिससे कि हो सकता है आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो डैमेज हो सकता है। तो इस वीडियो पे हम और कॉटन का यूज नहीं करने वाले, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कोई सा भी पेन ले लेना है दोस्तों, उसके बाद आपको डबल साइडेड टेप, एक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप, साथ ही दोस्तों आपको एक कॉपर वायर का जरूरत पड़ने वाला है कुछ इस तरीके का, साथ ही आपको एक सीजर का जरूरत पड़ने वाला है, और दोस्तों आपको एक फाइबर फैब्रिक क्लोथ का जरूरत पड़ने वाला है। अगर आप गेमर हो या फिर आपने इस तरीके का फिंगर स्लिप देखे होंगे दोस्तों, तो इस तरीके का आप मार्केट से एक फिंगर स्लिप बाय कर सकते हो, आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा दोस्तों। आप चाहो तो महंगा भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पेन के इस वाले पोर्शन को ओपन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको बैक पोर्शंस को भी ओपन कर लेना है। तो ओपन कर लेने के बाद फैब्रिक फाइबर क्लोथ को आपको ले लेना है और अपने हिसाब से इसे कट कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से चलिए हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इतना सा पोर्शन कट कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा डबल साइडेड टेप को कट कर लेना है, तो चलिए हम इसे भी कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको क्लोथ के साथ इसे चिपका देना है, तो चलिए हम इसे चिपका देते हैं क्लोथ के साथ, और कुछ इस तरीके से आपको रोटेट कर देना है क्लोथ को डबल साइडेड टेप पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसे चिपका दिया, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको इसे बेंड कर देना है। याद रखें दोस्तों स्मार्टफोन का टच सेंसर सभी टाइप्स के क्लोथ को सेंस नहीं कर पाता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज के लिए जो फिंगर स्लिप बने हैं उसी को आपको बाय कर लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से ले लेना है, उसके बाद आपको टॉप पे हल्का सा स्पेस छोड़ के आपको कॉपर वायर की सहायता से इस तरीके से आपको राउंड शेप में रोटेट कर देना है कॉपर वायर को, तो चलिए हम इसे रोटेट कर देते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों खुल नहीं पाए इसीलिए आपको कुछ इस तरीके से एक बार इसे घुमा देना है, तो चलिए हम इसे घुमा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पेन के इस पोर्शन को लेके आपको यहाँ से इंसर्ट कर देना है वायर को, और अगर आप इस तरीके का पेन यूज नहीं कर रहे हो तो आप बिना इंसर्ट किए भी यूज कर सकते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है, उसके बाद इसे भी आपको इंसर्ट कर देना है अच्छी तरीके से। किसी भी मटेरियल का आप यूज करके इसे भी आपको अच्छी तरीके से इंसर्ट कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे इंसर्ट कर दिया है। कॉपर वायर को इंसर्ट कर देने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम कॉपर वायर को इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो बॉडी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो ट्रांसमिट होकर दोस्तों फैब्रिक क्लोथ तक पहुंचेगा, और उसकी सहायता से आप यूज कर सकेंगे अपने स्मार्टफोन के टच स्क्रीन को। तो चलिए अब हम पेन के टॉप पोर्शन को टाइट कर देते हैं, और उसके बाद दोस्तों अगर आपने इस तरीके का पेन को यूज नहीं किया तो आप चाहे तो इस तरीके से आप टॉप से ही आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको वायर को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है ताकि जब आप लिखने के लिए यूज करेंगे तो आपका जो फिंगर है वो टच करे वायर को, तभी पेन वर्क करेगा दोस्तों टच स्क्रीन पे। उसके बाद दोस्तों वायर के लास्ट पोर्शन को आपको ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से थोड़ा सा आपको चिपका देना है, तो चलिए हम इसे चिपका देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो टच पेन है या फिर कह सकते हैं दोस्तों स्टाइलस पेन है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसे ट्राई करने वाले, तो चलिए हम इन सारे चीजों को इंसर्ट कर देते हैं और उनके प्लेस पे फिट कर देते हैं। तो अब दोस्तों हमारा जो स्टाइलस पेन है वो बन के रेडी हो चुका है, चलिए अब हम करते हैं इसकी ट्रायल। आप चाहे तो दोस्तों इसे किसी भी टच स्क्रीन डिवाइस पे यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो ये काफी अच्छा वर्क करता है, और जब आप वायर को नहीं टच करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों, और देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा ये रिस्पॉन्स भी देता है दोस्तों रियल टाइम पे। तो जैसा कि दोस्तों इसका टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, तो चलिए हम इस पे कुछ लिख के भी चेक कर लेते हैं। तो व्हाइट बोर्ड को हमने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।